त्वष्टा माने बढ़ई। तो इसमें जो विश्वकर्मा होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लोहे वाला काम करने वाला लोहार, लोहार जिसको कहते हैं, ये बढ़ई क्या होता है, काष्ठ का काम करने वाला होता है, त्वष्टा यानी कारपेंटर कहते हैं ना, त्वष्टा हो गया, त्वष्टा कहते हैं, त्वष्टा। निस्क तो जानते होंगे सर, ये हार होता है गलेगा, हाँ मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द है निस्क हार, ये मुद्रा के लिए भी शब्द का प्रयोग तो होता है, मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द। जो सवाल पूछे जाते हैं वो जल्दी से देख लीजिए, बहुत सारे हैं शब्द। संग्रहत्री, शाही खजाने का प्रभारी को कहा जाता था उस समय संग्रहत्री, शाही खजाने, शाही खजाने का प्रभारी जो होता था उसको कहा जाता था संग्रहत्री। स्त्रोत्रिय, विद्वान ब्राह्मण को उस समय स्त्रोत्रिय कहा जाता था, स्त्रोत्रिय। ये जो विद्वान ब्राह्मण होते थे यानी कि जिनको वेदों का ज्ञान होता था, यज्ञ वगैरह जो करवा लेते थे विधान से, उनको स्त्रोत्रिय कहा जाता, स्त्रोत्रिय। भागदुह, भागदुह आपको बता दिए कर्म का संग्रह, गविष्टि तो जानते होंगे, गविष्टि हाँ गायों के लिए जो युद्ध होता था ना, गविष्टि मतलब गायों की, गायों की गवेषणा यानी चोरी, गवेषणा मतलब चोरी, चोरी करना। उस समय जो है चोरी किसकी होती थी, गाय, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था ना, पढ़ाए ना भी आपको ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल। गविष्टि, रई संपत्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है, एक रई, रई 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 ये संपत्ति के लिए प्रयुक्त शब्द यानी संपत्ति। संपत्ति को कहते थे प्रयुक्त शब्द रई, रई हो गया। एक दहेज के लिए, दहेज को क्या कहते थे, बहतु, बहतु। उस समय दहेज को क्या कहते, बहतु यानी बहतु, दहेज बाहर कर ले जाते थे। हाँ ये शब्दावली है, इज्ज पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं और बड़ा, आप यहाँ आओ, यहाँ आइए, यहाँ खाली पड़ा है, इतना बड़ा हम लिख रहे हैं यार, आप हमेशा कहते हो कि छोटा लिखते हैं सर। अब दिखा इव्य, धनी लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द होता था, धनी लोग, धनी लोगों के लिए इव्य शब्द का इस्तेमाल होता। अदे वायु, देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाला, आ देवयु ये कहते हैं नास्तिक को, यानी देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाला, देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाला अदेवयु कहा जाता है। और एक शब्द मिलता अब्रहण, अब्रहण मतलब अब्रहण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये अब्रहण देखिए, अदेवयु, अब्रहण क्या है, वेदों को ना मानने वाला, वेदों को ना मानने वाले, ना मानने वाले को क्या कहा जाता था, अब्रहण। आवास, कटवाणी बोलने वाला, आवास, ठीक है भैया, कटवाणी ना बोलने वाला, कटवाणी, कटवाणी वाला, कटवाणी वाले व्यक्ति को कहते थे, कटवाणी वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, आवास। अब्रहण हो गया, अदेवु, ठीक है। ब्राण जत, एक शब्द मिलता है ब्राण, ब्राण जत या जात, ब्राण जत इसको कहा जाता था, चारागाह का अधिकारी जो उस समय होता है, चारागाह का अधिकारी।
चारागाह के अधिकारी को ब्राह्मण जन बोलते थे। जन विष तो जानते हैं, वैदिक कबीले जो थे ये तो बता ही है, जन या विष वैदिक कबीले जो होते थे, यानी जो शासन एक तरह से शासन होते थे, कबीलों का शासन था। एक शब्द और लिख लीजिए बस, नपत्री, नपत्री मिलता है। नपत्री का मतलब ये जो भतीजे होते थे, भतीजियाँ होती थी, पौत्र होते थे, प्रपौत्र होते थे, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया। चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, चचेरे भी हाँ, इत्यादि के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। इत्यादि के लिए प्रयुक्त शब्द नृत्य, ये तुमको ध्यान से बता दिए पूरा, बता तो दिए। ऊपर देखो, नहीं वो जो कुछ पुस्तकें थी अरे आ रहे हैं राजा, अरे घबरा इसको मिटाए, पूरा डिटेल्स डाले बीच वाला। अरे कितना टाइम लगा रहे हो यार, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो देखिए पहली पुस्तक आपकी थी मीरात ए सिकंदरी, यहाँ लिख रहे हैं मीरात ए सिकंदरी, मीरात नहीं मीरात, मीरात ए सिकंदरी, हाँ सिकंदरी। अरे भाई ये मेडिकल में भी कुदा दिए, ये वैदिक काल है, जितना से सब लिखे वैदिक कालीन शब्द है, ये मेडिकल में आ जा, मेडिकल में आ जाए, मध्यकालीन में ये किताब है। अरे ये लगा है, ये नहीं समझ पा रहे, मीरात ए सिकंदरी, इसके राइटर जो थे सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू, जिनके इनके राइटर हैं सिकंदर, सिकंदर सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू, बिन और खोजना पड़ा यार, मोहम्मद मंजू, सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू ने इसको लिखा था 1611 में। अब बताइए 1611 ईस्वी में भारत पर किसका शासन था, किस मुगल शासक का? 1611 अकबर के बाद शाहजहां आएगा, जहांगीर आएगा भाई, ये कंफ्यूजन मत करो, जहांगीर। अब देखिए गुजरात की राजनीतिक घटनाओं का इस पर लिखा गया है, वर्णन किया गया है, किसके काल की गुजरात की राजनीतिक घटनाएं, जहांगीर के काल की, बात समझ रहे हो? ये मीरात ए सिकंदरी सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू 1611 की पुस्तक है ये, हाँ गुजरात की राजनीतिक घटनाओं का इतिहास, गुजरात की राजनैतिक घटनाओं का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। यानी कि जो उस समय का इतिहास गुजरात के संबंध में लिखा गया है, समझिए जहांगीर के काल की ये पुस्तक है सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू 1611, इसमें जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो गुजरात से संबंधित है। ठीक, पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मिटा दें। अभी इनकी और सारी किताबें हैं, एक है बुरहान ए मासिर, बुरहान ए मासिर, इसको मिटा दें। और कौन लिखा है देखिए भाई, मैं यदि उधर का लिख लिया तो उधर का लिख लिया, उधर वाला हो गया, अभी वो बीच वाला नहीं लिखे, लिखो लिखो लिखो, इतना बड़ा बड़ा लिखे, जल्दी जल्दी नोट कर लो। तो इधर का लिख लिया है, चलो बगल वाले से नोट कर लीजिए, इतने में लिख रहे हैं, इतने में बड़ा लिखने में ज्यादा फंस जाता है ना। मीरात ए सिकंदरी हो गया, सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू, बुरहान ए मासिर एक किताब है, बुरहान ए हान ए मासिर, बुरहान ए मासिर इसके रचनाकार हैं, इसके लेखक हैं सैयद अली तबातबा, इनका नाम था सैयद अली तबातबा, पूरा नाम बताएंगे, सैयद अली
तबा 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 सैयद अली तबा तबा इसके राजधानी है। दक्षिण के अहमदनगर राज्य की कहानी है इसमें। दक्षिण के अहमदनगर कहाँ पड़ता है? दक्षिण में ना जी सर। अहमदनगर का राजनैतिक इतिहास है यहाँ का, राजनैतिक इतिहास या जो भी घटनाक्रम थे वहाँ का। अहमदनगर की कहानी है बुरहाने मासिर। ठीक, दक्षिण के अहमदनगर राज्य की व्यवस्थाओं का इसमें वर्णन किया गया है। बुरहाने मासिर सैयद अली तबा तबा रियाजुस सलातीन, इनकी अगली किताब है। ये वाला क्या रहे हैं? उधर वाला, अरे वो पीछे है भाई साहब, बगल वाला इसमें उत्तर लीजिए भाई। हम मेन टॉपिक से जो है रियाजुस सलातीन। देखिए रियाज उस सलातीन, अभी ये सब पढ़ाया जाएगा आपको अधिकारी दिया, घबराइए नहीं। रियाज उस सलातीन इसके जो है राइटर है गुलाम हुसैन सलीम। गुलाम हुसैन सलीम, गुलाम हुसैन सलीम। और ये कहाँ का घटनाक्रम दर्शा रहे हैं? बंगाल का इतिहास इसमें जो है, बंगाल का इतिहास। कहाँ से खोज, कहाँ आया था? इसे उन्होंने पूछ दिया। क्या तो बता भी देना, ढंग से बताना पूरा। कोई बात नहीं। रियाज सलातीन गुलाम हुसैन सलीम, बंगाल का इतिहास। अब आगे है आपका रियाज उल इंसा। रियाज उस इंसा कोई किताब नहीं मिली, रियाज उल इंसा है। रियाज उल इंसा देखिए इधर, रियाज उल इंसा। हाँ उल इंसा, अगर वो कहेंगे तो भैया आप बताओ खोज के हमको। रियाज उल इंसा इसकी ये है जो है महमूद गवा के पत्रों का रियाज उल इंसा के नाम से संग्रह किया गया है। ये महमूद गवा है, इसके राइटर हैं महमूद गवा। इनके जो बहुत सारे पत्र मिले हैं रियाज उल इंसा के नाम से संग्रह किया गया है, इनके लेटर का, पत्रों का। रियाज उल इंसा महमूद गवा का है, ये महमूद गवा के पत्रों का संग्रह लिख लीजिए। होता नहीं तमाम सारे लोग लेटर लिखते हैं, उसको एक जगह कलेक्ट करके रियाज उल इंसा नामक पुस्तक की रचना कर दी गई। महमूद गवा दक्कन के बहमनी सल्तनत में वकील थे, वकील उस सल्तनत थे यानी प्रधानमंत्री थे बहमनी में, जान रहे ना। हाँ वह एक अच्छे कवि भी थे, गद्य लेखक भी थे। उनके पत्रों का संग्रह रियाज उल इंसा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर दक्षिणी उर्दू का भी यहीं पर जो है विकास होता है। एक भजन भी गाए गए दक्षिणी उर्दू पर। ठीक, दक्षिणी उर्दू गुलबर्गा दो जगह पड़ता है, जानते हैं कहाँ कहाँ? कर्नाटक वाला गुलबर्गा और एक कश्मीर वाला। तो एक कर्नाटक वाले गुलबर्गा से रिलेशन है इनका। ठीक भाई, तो रियाज उल इंसा हो गए। और एक किताब कौन सी है? मनाजिर उल इंसा ना, मनाजिर उल इंसा। हाँ यही चार थी। इनकी एक और है किताब, इन्हीं की एक और है मनाजिर उल इंसा। मनाजिर और रियाजुल, मनाजिर उल इंसा, ये दोनों पुस्तकें इन्हीं की हैं। गवा साहेब ये प्रधानमंत्री थे दक्कन के, ये लीजिए पूरा उनको दे दीजिए अगर खर्रा। आइए हम लोग कहाँ छोड़े थे? सर जो आपका लिखाए थे जिसका अध्यक्ष उसमें चारागाह के बारे में तो लिखा, चारागाह का अधिकारी होता था तालाब कुआं व डाकुओं का भी इसमें वर्णन मिलता है। हाँ तो होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और इतिहास एक है सुरा अध्यक्ष नवा अध्यक्ष। सुना अध्यक्ष वही पिक्चर थाने वाला? नहीं नहीं सुरा अध्यक्ष। हाँ तो सुरा माने क्या होता है? सुरा वाला क्या होता है? सुरा माने क्या होता है? सराव और नवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष नौसेना वाला अधिकारी जो होता है। लिखा तो दिए हैं सब यार, हमको वहाँ बैठने ही नहीं दोगे लग रहा।
ये मनाती है गुड़िया, मनाजी बोलो सर। दोनों किताबें एक ही राइटर की हैं। आगे हम आपको पढ़ा रहे थे, तीर्थ हो गए, सब कुछ हो गए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो आपसे बताया गया अदेव मात्रिक भूमि क्या होती थी, ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाए। अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक मध्यकालीन में लेके चले गए ना, अदेव मातृभूमि पूछा जाता है भाई, यह अदेव मातृभूमि कैसी होती थी, अगर बारिश भी ना हो तब भी हम पैदा हो जाएंगे। यहाँ तक शायद हम कल बताए थे आपको, हाँ, अर्थव्यवस्था में कृष्ट यानी जुटी हुई भूमि को कृष्ट कहा जाता था, अकृष्ट जो होती थी वह बिना जुटी हुई भूमि होती थी, अस्थल ऊंची भूमि को कहा जाता था, अदेव मात्रिक बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को कहा जाता था। यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और एरियन ये कह रहे हैं कि राजा का भूमि पर स्वामित्व तो होता था, मौर्यकालीन राजा का भूमि पर स्वामित्व तो होता था, भूमि पर स्वामित्व तो होता था। स्वामित्व तो मतलब समस्त भूमि किसकी मानी जाती थी, राजा की। ये इसका वर्णन तो राजा का भूमि पर स्वामित्व तो होता था ये कह रहे हैं यूनानी राइटर एरियन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज, ये तीनों ईरानी कह रहे हैं कि राजा का भूमि पर स्वामित्व तो होता था। मेगास्थनीज ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही स्ट्रैबो भी मानते हैं और एरियन भी ऐसा ही मानते हैं कि मौर्यकालीन जो शासक होता था समस्त भूमि का स्वामी होता था। चलिए, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी जो होता था उसको क्या कहा जाता था, सीताध्यक्ष, लिखाए हैं सर, सीताध्यक्ष। जो राजकीय भूमि होती थी उसकी व्यवस्था, राजकीय भूमि का की व्यवस्था देखने वाला अधिकारी होता था सीताध्यक्ष, और एक टैक्स भी लगता था सीता नाम से, जानते हैं। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था, भूमि कर। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था मौर्य काल में, मौर्य काल पढ़ा रहे हैं भाई जो लोग नए बैठ गए हों, तो राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत होता था वो क्या था, भू राजस्व, ठीक ना, भू राजस्व यानी कि भूमि से जो भी टैक्स मिलता था, भू राजस्व, और भू राजस्व समय कितना लिया जाता था, 1/6 और सिंचाई या तमाम इस तरह के जो टैक्स होते हैं सब अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा कृषक के ऊपर आधी उपज उसकी चली जाती थी टैक्स में, लगभग 1/2। अगर संपूर्ण टैक्स को जोड़ दें तो मौर्य काल में लगभग आधी उपज का आधा हिस्सा किसको चला जाता था, राज्य के पास चला जाता था। तो भू राजस्व कितना लिया जाता था, 1/6। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था जो उपज का 1/6 होता था, और सेतु कर और वन कर दो प्रकार के कर लगते थे, सेतु कर और वन कर, तमाम तरह के टैक्स थे अभी बताने चल रहे हैं, सेतु कर और वन कर, ये दो प्रकार के टैक्स यहाँ लगते थे। आगे देखिए, तो 1/6 भी 1/2 मत लीजिए, 1/6 भूमिकर के रूप में लिया जाता था, भूमिकर के रूप में 1/6 लिया जाता था। आगे देखिए, राजकीय आय हेतु विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस लगते थे वो किस नाम से जाने जाते थे, राजकीय आय हेतु जो टैक्स लगते थे कर, ऐसे जैसे करके नीचे से लिखिए, जैसे इस समय GST, CGST, SGST नहीं लगता है, तमाम कुछ भी लेने जाओ, सुई भी लेने जाओ उसमें इंक्लूड रहता है, कुछ इस तरह से यहाँ भी टैक्स लगते थे। तो राजकीय आय हेतु विभिन्न प्रकार के जो कर लगते थे उसमें सीधा राजकीय भूमि से होने वाली आय, राजकीय भूमि कैसे होती थी, जो सीधे किसके नियंत्रण में होती थी, राजा के, दे दिया जाता था आप खेती करिए, तो जो उससे आय होती थी उस पर जो टैक्स लगता था उसको क्या कहा जाता था, सीता, लिख लीजिए, राजकीय भूमि से
प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इसको सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय भाग कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर, एक भाग होता था, भाग नामक कर होता था कृषकों द्वारा। इधर मिटाएं, कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री पर, जो भी उत्पादित कर, उत्पादित सामग्री पर लगने वाला कर, सामग्री पर लगने वाला कर, कर तो ऊपर लिखे ही हैं, कम से कम हमसे लिखवाइए, ज्यादा ज्यादा समझिए। सीता भाग हो गया, प्रवेश से कर क्या होता था, ये आयात कर होता, प्रवेश से कर, प्रवेश, प्रवेश से कर ये क्या होता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझते हैं ना, इंपोर्ट क्या होता है, आयात, ये आयात कर था, ऐसा कर था, आयात कर था, और यह लिया कितना जाता था, लगभग 20%। कौन बता रहा है, वेरी गुड, स्पीड फोन टू उनकी भाई। प्रवेश से कर, आयात कर होता था ये, जो है 20% लिया जाता था निष्क्राम में, निष्क्राम में, इसका मतलब क्या होगा, शब्दों से पकड़ने की कोशिश किया करिए, निष्क्राम में मतलब निर्यात पर भी कर लगता था, निर्यात कर, निष्क्राम में यानी निर्यात कर। और एक टैक्स होता था प्रणय कर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रणय, पूछा गया है पीछे, प्रणय कर, आपातकालीन कर, आपातकालीन कर होता था, युद्ध है या किसी देश के किसी हिस्से पे दुर्भिक्ष हो गया कुछ इस तरह के, तो ये आपातकालीन, अटेंडम में कोई समस्या आ गई तो आपातकालीन इमरजेंसी टैक्स होता था, आपातकालीन कर। प्रणय कर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, प्रणय कर, प्रणय, प्रणय मतलब क्या होता है आज की डेट में, हाँ वर वधु का जो कहते नहीं शादी हो जाना होता है, प्रणय मिलन, हाँ प्रणय कर, लेकिन वहां प्रणय कर का मतलब क्या था, आपातकालीन कर। प्रणय कर बलि, एक प्रकार का भू राजस्व होता था, ये गिफ्टेड टाइप का होता था, बलि एक प्रकार का भू राजस्व ये भी होता था। हमें लगता है बलि ऐसे होता था जैसे आपके खेत में गन्ना हुआ, उसका आप निगुड़ बनाया या दाने वाला कुछ बनाया, तो आप राजा को गिफ्ट कराओ कि साहब हमारे यहाँ इस, राजा क्या होता था, स्पेशल व्यक्ति होता था ना, हाँ अभी आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कुछ गिफ्ट विशेष देना हो, आप सोचेंगे हजार बार कौन सी ऐसी चीज दे दी जाए उनको जो उनके दिल को छू जाए और हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, एक प्रकार का भू राजस्व या उपहार कह सकते हैं, उपहार टाइप का। हिरण्य कर, यह अनाज के रूप में ना लेकर नकद दिया जाता था, हिरण्य, हिरण्य कर, यह भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगाइए, हिरण्य कर यह जो है अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, अनाज के रूप में ना लेकर कैसा लिया जाता था, नकद लिया जाता, नकद समझ रहे हैं ना, हाँ अन्न के रूप में नहीं लिया जाता, नकद लिया जाता था, तो नकद कर ये जान लीजिए, नकद इसको आजाद कर लीजिए, नकद कर, हिरण्य कर। सेठ वन, राज की ओर से सिंचाई का प्रबंध, इसमें देखिए 1/5 या 1/3 भाग करके रूप में लिया जाता था, सिंचाई कर भाई, सेतु बंध, इधर लिख रहे हैं सेतु बंध, इतना बड़ा लिखवाओगे कैसे चला गया, ये जो है सिंचाई हेतु राज्य द्वारा जो प्रबंध किया जाता था और उस पर जो है 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, वो सेतुबंध कर था, सेतुबंध कर। और बिस्टी तो जानते हैं, बिस्टी क्या होता है,
ये एक तरह से निःशुल्क बेगार है, टैक्स के रूप में आप समझिए, विस्ती बेगार या निःशुल्क टैक्स श्रम लिया जाता था, बेगार बेगार समझ रहे हैं ना, बेगारी करना, हाँ निःशुल्क श्रम, निःशुल्क श्रम। अब तो ऐसा है नहीं, आप श्रम करोगे तो श्रम का लोगों को पैसा देना पड़ता है ना, हाँ विस्ती निःशुल्क श्रम या बेगार। इसके अलावा देखिए तमाम सारे कर लगते थे, उनको कहा जाता था राष्ट्र, वणिक कर, नाव व पत्तन कर, चारागाह, सड़क, आज पर कर लगते थे। वणिक कर राष्ट्र, राष्ट्र कर के नाम से जाना जाता था, वणिक कर, नाव, पत्तन, सड़क, आग पर लग, रोड टैक्स देते हैं ना, हाँ इसी टाइप का था, उसको राष्ट्र नाम से जाना जाता था। वाणिज्य, वाणिज्य मतलब जो व्यापार वाणिज्य, वाणिज्य कर, नाव व पत्तन कर, चारागाह, सड़क कर, आग को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। चारागाह में बगीचा होता था, लेकिन जो टैक्स लिया जाता था वो राष्ट्र के नाम से, मिसलेनियस कह सकते हो, विविध कर था, विविध कर समझ रहे हो। ये सारे कर अगर जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर जो वहां के कृषक को देना पड़ता था आम जनता को, अपनी आय या अपनी उत्पादित जो भी अनाज थे, अनाज गल्ला होता था उसका एक बट्टा, तो लगभग आधा उसको राज्य को देना होता था। तभी तो इतनी बड़ी सेना थी, 6 लाख पैदल, हाँ 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और लगभग 8,000 रथ, और उसके बाद नौसेना जो थी अलग थी। इतनी बड़ी सेना थी तो राज्य से ही सब कुछ टैक्स के रूप में लेते थे। तो कुल मिलाकर भूमि कर, सिंचाई कर मिलाकर किसानों को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था। कृषि कर की मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर होती थी। अब ये देखिए कहीं पर जैसे आप पश्चिम में चले जाए, वहाँ प्रोडक्टिव जमीन हो, तो वहाँ पर जो है जैसे उपज का 1/6 की जगह और बढ़ा कर लिया जाता है, और जहाँ अनुर्वर जमीन है वहाँ कम लिया जाता है। जो जमीन की उर्वरा शक्ति होती थी उस पर डिपेंड करता था। ये विचार है भाई, आगे देखिए टैक्स हो गया आपका। उस समय जो कर लगते थे तो इसमें प्राय कर, हिरण कर वगैरह, जो बलि, ये सब बहुत पीछे गए कई बार। अब चाणक्य के अनुसार भूस्वामी को क्या कहा जाता था, क्षेत्रक कहा जाता था। चाणक्य कह रहे हैं इनके अनुसार, चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अभी आप वैदिक शब्दावली में लेकर आए थे, ये कह रहे हैं चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक, क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता है। क्षेत्रक शब्द मिलता है तो भूस्वामी के लिए कहा जाता है, भूस्वामी, भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक, और इसी तरह से देखिए एक शब्द मिलता है उपवास। आज के डेट में उपवास का मतलब काश्तकार को कहा जाता था, काश्तकार जो होते थे उनको उपवास कहा जाता था, उपवास काश्तकारों को, हाँ काश्तकारों को उपवास कहा जाता था। अरे जो काश्तकार खेती करते थे भाई, कुछ तो भूस्वामी होते थे, बटाई पर भी दे देते थे ना, तो जो काश्तकार हुआ करते थे, छोटी छोटी जमीन के मालिक या बटाई पर या भूस्वामियों से लेकर जमीन जो खेती करते थे उनको उपवास कहा जाता था। ऐसे आदमी फंस जाएगा, इस तरह के शब्द पूछे जाएंगे, क्षेत्र भूस्वामी उपवास काश्तकारों को कहा जाता था। तो एक शब्द मिलता है स्वाम्य, स्वाम्य से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है, और जब अधिकार हो जाएगा तो क्रय विक्रय का अधिकारी हो जाता है। स्वाम्य शब्द मिला है, स्वाम्य इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के भूमि पर स्वामित्व से मतलब है, स्वामित्व या स्वामी होता था, व्यक्ति भूमि का स्वामी होता था, और स्वामी का मतलब होता है स्वामी से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है, क्रय विक्रय और अधिकार मिल जाता था, भूमि पर व्यक्ति का अधिकार।
व्यक्ति भूमि का अधिकारी हो जाता था और वह अब क्या कर सकता था, क्रय विक्रय कर सकता था अपनी जमीन की, अदरवाइज नहीं कर सकता था। या अगर उसको मिल गया स्वामी, यानी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर भूमि पर भूमि का अधिकार मिल गया, भूमि पर स्वामित्व का अधिकार अगर सिद्ध होता है इस शब्द से, तब वह उस भूमि का क्रय विक्रय कर सकता है। नियारकस ने कुछ जातियों द्वारा सामूहिक खेती किए जाने का भी उल्लेख किया है। नियारकस कौन था? हाँ, जल सेनाध्यक्ष था। ये कह रहा कि उस समय सामूहिक खेती होती थी और इस सामूहिक खेती में दासों को भी लगाया जाता था। सामूहिक खेती का वर्णन करता है। छोटी 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 बातें हैं। उद्योग कैसा था यहाँ? प्रधान उद्योग क्या था यहाँ? सूत काटने और बुनने का था। उद्योग पर आ जाइए। उद्योग जो है सूत काटने और बुनने, सूत काटने व बुनने का था। कहने मतलब सूती कपड़े का प्राचीन समय से ही भारत हब रहा, ठीक, सूती कपड़े। प्रधान उद्योग सूत काटने और बुनने का था। कारखानों में बनी वस्तुएं पाण्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी। ये आपको हमने बताया था, पाण्याध्यक्ष, ये जो कारखाने में वस्तुएं बनती थी इसी के नियंत्रण में बाजार में बेची जाती थी। कारखानों में बनी वस्तुएं इसी के नियंत्रण में बाजार में बेची जाती थी, इसी के नियंत्रण में बाजार में बिक्री की जाती थी, बाजार में बेची जाती थी। पाण्याध्यक्ष पढ़ाए भी हैं। व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे। इनका मुखिया श्रेष्ठिन कहलाता था। श्रेष्ठिन ये पूछा जाता है, ये व्यापारियों का मुखिया होता था। श्रेणिया होती थी ना, श्रेणिया व्यापारियों का मुखिया, व्यापारियों का जो मुखिया होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। मुखिया श्रेष्ठिन, व्यापारियों का मुखिया श्रेष्ठिन कहलाता था। जो श्रेणियां होती थी यानी छोटी छोटी श्रेणियां व्यापारियों की, वो जो है समूहों में संगठित होती थी और उसके जो मुखिया होते थे वो श्रेष्ठिन कहलाते थे। आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष, कल बता रहे थे लक्षणाध्यक्ष। लेकिन उस समय जो है आम आदमी भी मुद्रा क्या करवा सकता था, जारी करवा सकता था। जैसे चांदी हमने ले जाकर 50 किलो दे दिया टकसाल अधिकारी को, लक्षणाध्यक्ष को, तो वो क्या करता था, आपके लिए मुद्राएं, उतनी मुद्राएं बनाकर आपको दे देता था। तरसापण चांदी की मुद्राएं हुआ करती थी, तो उस पर क्या करता था भाई, ऐसे फ्री तो दे नहीं देगा सेवा आपको। उसके लिए वो करता क्या था, सिक्के बनवाते थे जो लोग, तो उसे राज्य को ब्याज के रूप में रूपिका या परीक्षा के रूप में कुछ देना पड़ता था, ब्याज रूपिका। और जब उसका परीक्षा ये दोनों कार्य करता था, इसको ब्याज के रूप में रूपिका या परीक्षा देना पड़ता था, यानी कि कुछ फंड उसको देना पड़ता था। बनवाही जेगा कैसे करते, छोड़ दे का जान जाता। आगे आओ, आगे देखिए, गुप्तचरों के बारे में हमने बताया था। कुछ मुद्राएं, मुद्राएं पूछी जाती हैं। मुद्राएं देख लीजिए, किस नाम से जानी जाती थी और किस चीज की बनी होती थी। मुद्राएं मुद्राओं में देखिए, एक करसापण पण या धरण चांदी का बना होता था। करसापण या इसी को पण भी कहते हैं या इसी का नाम धरण भी था। ये मौर्यकालीन मुद्रा थी। किसकी बनी होती थी? चांदी की। किसकी बनी होती थी? चांदी की बनी होती थी। सुवर्ण, सुवर्ण मुद्रा थी भाई, सुवर्ण या किसकी बनी होगी? सोने की। इसके नाम से ही पता है, बोलिए मत भाई, बोलिए मत। मासक या तांबे का सिक्का होता था। ब्याज रूपिका परीक्षण।
अरे इसको ऐसे लिख लीजिए, मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी व्यवस्था बनवा। चूर्ण सोने का होता था, मासक पूछा गया है। मासक किस धातु का बना होता था? तांबे का। काकड़ी और मासक या दोनों तांबे का बना होता था, या तांबे का सिक्का होता था। मासक तांबे का सिक्का होता था, और देखिए इसी तरह का तांबे का ही एक काकड़ी सिक्का मिलता है। काकड़ी या तांबे का छोटा सिक्का होता था, तांबे का छोटा सिक्का काकड़ी। अब देखिए मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? रूपदर्शक। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, मुद्राओं का क्या क्या करता था? परीक्षण करने वाला अधिकारी यह जारी करता था, लक्षणाध्यक्ष जान लीजिए, और यह परीक्षण करने वाला अधिकारी, परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? रूपदर्शक। क्या कहलाता था? अधिकारी। रूप माने रुपया, दर्शक माने देखने वाला, चेक करने वाला। लोकल तो नहीं है, नकली नोट तो नहीं है। आज भी आप बैंक वाले देखते हैं उसमें लगा के लाइट जला के कि गांधी जी का वो बना है कि नहीं, जो भी उनका होता है पैमाना। तो रूप माने रुपया, दर्शक। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी, बहुत तो बात पूछा गया है भाई, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। अब देखिए यहाँ आपसे पूछा जाए कि जो बड़े अधिकारी होते थे, जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, उनको वेतन कितना मिलता था? 48,000 पण, ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 पण। और जो निम्न टाइप के होते थे, निम्न अधिकारी, यहाँ अधिकारी डाल दीजिए, जो निम्न अधिकारी होते थे, सबसे न्यूनतम वेतन पाने वाले 60 पण वाले भी थे। निम्न अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी को 48,000 पण मिलते थे। आगे देखिए, जो पण होता था वो 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। जो पण होता था, पण इसकी जो कीमत थी 3/4 चांदी के सिक्के के बराबर होती। चांदी का सिक्का लिख लीजिए, 3/4 चांदी का सिक्का, हाँ तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता है। 3/4 तोले के बराबर, तोले में होता है, तोले में गिनते हैं ना, अभी सुना था, तोले के बराबर चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। ये जो पण होता था, आपसे पूछा जाए पण कीमत क्या थी, क्या होता था, कितने तोले का होता था, तो 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता, 3/4 तोले का। तोला वाला सब जानते हैं, सिक्का एक तरह का, पता नहीं किसे तोलते हैं। अरे वो सुनता भाई, तोले में ही बात करता है। जाइए अभी वो बड़े चौराहे, क्या नाम है, काशी, काशी में एक और अभी इस्टेब्लिश हो गई दुकान, बोला करो यार, जिससे अतुल ज्वेलर्स, टॉप पे चल रहा है मैं लगता है, उसके यहाँ बड़ी भीड़ लगी रहती है। हम तो यहाँ कह नहीं यार, आप लोगों को जानना चाहिए कहाँ घूम रही है, मशहूर आदमी है, हम तो पूछ लेते हैं आगे लोगों से क्या कौन सी दुकान मशहूर है, वहीं पहुँच जाते हैं। अब देखिए आपसे सवाल किया जा सकता है कि आहत रजत मुद्राएं जो मान्य थी राजकीय स्तर पर, उसमें छपा क्या होता था? मयूर पर्वत अर्धचंद्र छाप वाली, मयूर छपा होता था, पर्वत और आधा चांद, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र ईद का चांद आधा चांद होता है क्या? अर्धचंद्र छाप वाली, छाप वाली मुद्राएं ही मान्य थी। जैसे आजकल गांधी जी छपे होते हैं, तमाम सारी चीजें मुद्राएं ही मान्य, ये सारी चीजें छपी होती थी। मयूर तो मोर ही इनका राजकीय चिन्ह भी था, आपको पहले ही हमें बताया था
मयूर पर्वत अर्धचंद्र छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मान थी। आहत मतलब हाँ ठोंक कर बनाई जाती, आहत लिख लीजिए, आहत रजत माने चांदी मुद्राएं यही मान्य थी। और देखिए अब आपसे पूछा जाए कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध थे उस समय, काशी बंग उड्र और कलिंग मालवा। काशी बंग माने बंगाल, बंग उड्र क्या था भाई, मालवा। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग धुआंधार निर्मित होते थे, काशी बंग उड्र मालवा और एक क्षेत्र था कलिंग में भी सूती वस्त्र का खूब जो है खूब बनते थे, सूती वस्त्र तैयार होते थे, कलिंग सूती वस्त्र के लिए मशहूर था सूती वस्त्र। और आपसे पूछा जाएगा मलमल, एक कपड़ा होता था मलमल, लाल दुपट्टा मलमल का, गाना सुने ये फिल्म का नाम ही था लाल दुपट्टा मलमल। और ये जो है पुरानी फिल्में आए ये हम अपने जमाने में देखा करते थे, नजर आए साजन का प्यार लाल दुपट्टा मलमल का। तो जो मलमल होता था वो ये बंगाल जो है मलमल के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। हमारे नाना जी मलमल का बहुत बड़ा साफा बांधते थे, साफा और इतना बड़ा सा साफा, इतना बड़ा सा जैसे दीवार। अब हम नाना जी से अपने पूछ रहे थे कैसे इसको आप लपेटते थे, तो उसके स्टाइल बताते थे वो लोग। हाँ जब उनके मरने के बाद उनके उस ऊपर हम लोगों ने उनको जो है ब्रेड कर दिया। तो ये मलमल के जो कपड़े थे बहुत मशहूर हुआ करते थे, अभी मलमल की चादर आती है बड़ी मखमली होती है मुलायम पीली कलर में आती है, आप जाओ मांगो बताएगा। तो ये बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था, मलमल के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए इधर बंगाल वगैरह में तो काली मिट्टी शायद पाई जाती है, कपास बहुत होता है, गुजरात इधर महाराष्ट्र वगैरह में, इसीलिए सूती वस्त्र का इधर काम भी होता है चूंकि कपास पैदा होती है। हाँ काशी बंग पुत्र कलिंग और मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। रेशमी कपड़े जो है काशी और पुत्र यहाँ ये दो जगहों पर रेशमी कपड़े खूब पाए जाते थे, रेशमी कपड़े, रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, कपड़ों के लिए फेमस पुत्र। पुत्र नाम कहाँ का है, बांग्लादेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ बहुत सही बहुत सही आपने पकड़ा, ये बांग्लादेश था पुत्र भाई, जो आज का यानी कि तत्कालीन समय का पूर्वी बंगाल, हाँ आज का बांग्लादेश है जो पश्चिमी बंगाल हमारे पास है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया, तो ये बांग्लादेश में पड़ता है पुत्र। बहुत सही, तो रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था मलमल, आपका बंगाल के लिए प्रसिद्ध था। और देखिए चीनी पट्ट कहता है, रेशमी चीनी पट्ट कौटिल्य जो है एक जगह वर्णन करता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में कि चीनी पट्ट भारत आया करते थे। चीनी पट्ट मतलब चीन से रेशम मंगाया जाता था, रेशम समझते हो, कोकून होता है ना, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, हाँ तो वो जो है वो कौटिल्य कह रहा है चीनी पट्ट का इस्तेमाल भारत में होता था और बनाकर ये कपड़े निर्यात भी करते थे। तो देखिए दो तीन शब्द मिलते हैं वो जैसे है दुकुल, एक शब्द मिलता है दुकुल, श्वेत चिकना वस्त्र जो होता था उसको दुकुल कहा जाता है, दुकुल ये सफेद चिकना वस्त्र जो होता था, श्वेत चिकना वस्त्र दुकीर दुकुल के नाम से जाना जाता था, दुकुल उस समय दुकुल के नाम से जाना जाता था। श्वेत चिकना वस्त्र छौम रेशमी वस्त्र को क्या कहते थे, छौम मौर्य काल में छौम रेशमी वस्त्र को छौम कहते थे, रेशमी वस्त्र। देख लो भैया इतिहास है, सामाजिक आर्थिक सब कुछ राजनीतिक सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो छौम जो है आपका
रेशमी वस्त्र होता था, रेशम चीन से आता था, ऐसा कौन बताता है? कौटिल्य। ठीक, आगे देखिए, उस समय जो है सड़क निर्माण जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? एग्रोनोमोई, कल बताए थे ना, ये तो आप लिख दी होंगी, एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, ये डीएम साहब थे एक तरह से, आगे आगे चलने वाले। तो ये जो है सड़क बनवाते थे और सड़क पर 10 स्टेडिया में, कहने का मतलब जो सड़क जा रही है हमारे यहाँ क्या होता है, 1 किलोमीटर पर स्तंभ छोटा सा गाड़ देते हैं ना, याद आ रहा है, उसमें लिखा होता है लखनऊ इतना किलोमीटर, यहाँ पर क्या होता था 10 स्टेडिया, स्टेडिया एक नाप की इकाई हुआ करती थी, 10 स्टेडिया पर एक स्तंभ गाड़ने का काम, गड़वाने का काम कौन करता था? एग्रो नमोई गड़वाता था, 10 स्टेडिया पर एक छोटा सा स्तंभ गड़वाता था एग्रोनोमोई। ये ऐसा मिलता है कि 10 स्टेडिया पर एक स्तंभ स्थापित होता था, एग्रोनोमोई के द्वारा स्थापित कराया जाता था। अब चलिए छोड़िए भाई, व्यापार देखिए किस किस देशों से होता था, व्यापार सीरिया था, हाँ था, मिस्र था, जी था, और बताइए पारस, हाँ पारस यानी ईरान भी था, व्यापार रोम से भी होता था, फारस मिस्र पश्चिमी देशों से होता था, रोम से भी होता था और कुछ अन्य पश्चिमी देशों से भी होता था, इतने देशों से भारत का व्यापार होता था, रोम मिस्र सीरिया फारस और पश्चिमी देश, इन देशों से मौर्य काल में व्यापार हुआ करता था, रोम सीरिया फारस मिस्र और पश्चिमी देश। पश्चिमी भारत के बंदरगाह देखिए, और यहाँ देखिए मिस्र को क्या क्या जाता था, पूछा जाता है मिस्र को उस समय जाता क्या था, हाथी दांत, हाथी दांत समझ रहे हो ना, हाँ ये मिस्र को हाथी दांत निर्यात किया जाता था, उसके जो है तमाम छोटे छोटे गहने वहने बनाए जाते थे हाथी दांत में, हाथी दांत, हाथी दांत और कछुए, सीपी मोती, कछुए इसका भी कुछ इस्तेमाल करते रहे होंगे, मोती रंग नील ये सब तो जानते हैं, नीलम कीमती पत्थर जो होते थे ये सब मिस्र भेजे जाते थे, हाथी दांत कछुए सीपी मोती रंग नील बहुमूल्य लकड़ी, सीपी समझ रहे हैं ना, हाँ, और बहुमूल्य लकड़ी, भारत में बहुत बहुमूल्य लकड़ी, काष्ठ का बना महल था भाई, कुम्भार से मिला है, हाँ इसी का था ना, हाँ तो पूरा जो है महल किसका बना था, बहुमूल्य लकड़ी का बना हुआ था, और उसमें आग लगी तो बहुत दिनों तक जला, नालंदा वगैरह जब जलाया गया बताते हैं 6 महीने बहुत दिन तक जलता रहा, उसमें से इतनी किताबें थी, और जो महल बनाया गया था लकड़ी का ही तोरण द्वार था, जो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर गया था, मर गया, मोहम्मद बिन तुगलक राजा बन गया, हनूज दिल्ली दूरस्थ की कहानी सुने होंगे, तो बहुमूल्य लकड़ी भी वहां जाती थी। अब आपसे पूछा जाएगा जो असली सवाल है कि बंदरगाह पूछा जाता है, पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, भृगुकच्छ और सोपारा, पश्चिमी बंदरगाह ये जो थे पश्चिम के बंदरगाह भृगुकच्छ और सोपारा, सोपारा तो हमें लगता है महाराष्ट्र में रहा होगा, उसके ऊपर जो है गुजरात में भृगुकच्छ रहा होगा, और पूर्वी तट पर जो था ये पश्चिमी तट पर, ये तो बंदरगाह थे जहां से निर्यात होता था, पूर्वी तट पर कौन था, ताम्र
लिप्ति, लिपि नहीं लिप्ति, ताम्रलिप्ति, इन दो बंदरगाहों का अर्थशास्त्र में जो है वर्णन मिलता है। पूर्वी घाट पर ताम्रलिप्ति, पश्चिमी घाट पर भृगुकच्छ और सोपारा नामक बंदरगाह। आगे बंदरगाह लिख लीजिए, हम साथ में लिखते हैं भाई, समझा करो। अब देखिए अंतरदेशीय व्यापारिक केंद्र के कौन कौन से थे, तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र। तक्षशिला, काशी, उज्जैन व्यापारिक केंद्र, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मालवा भी था, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, कौशली, काशी, कौशाम्बी, कौशली, ज़्यादातर नदियों के किनारे जो थे वो व्यापारी केंद्र रहे हैं। चलिए बहुत सारे थे, खास खास लिखिए, आदि देख लीजिए। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि व्यापारिक जहाज निर्माण का प्रमुख उद्योग था, प्रमुख उद्योग जो यहाँ का था व्यापारिक जहाजों का निर्माण, और इस पर राज्य का अधिकार होता था। जैसे जलयान कहाँ बनाए जाते हैं इस समय भारत में, विशाखापट्टनम में। तो उसी तरह से उस समय हम आपको बताएंगे कि परिवहन का जो सरलतम साधन था, मुख्य साधन था, क्या था, हाँ, जलयान रहा होगा। तो जो जलयान था वो मौर्य काल में ये प्रमुख जलयान बनाना ये प्रमुख उद्योगों में से आता था, और इस पर अधिकार किसका होता था, प्रमुख उद्योग था जलयान निर्माण, लिख लीजिए और अच्छा सर, प्रमुख उद्योग था और इस पर किसका अधिकार था, राज्य का, यानी कि जो फैक्ट्री थी वो राजकीय था, राजकीय, राज्य का अधिकार होता था। ये ऐसा कौन कह रहा है, स्टेवो, जलयान निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था, एकाधिकार मतलब पूरी तरह से राज्य का एकाधिकार था, या वर्णन कौन कर रहा है, स्टेवो, यूनानी राइटर स्टेवो कह रहा है कि जलयान निर्माण प्रमुख उद्योग था उस समय, और इस पर राज्य का संपूर्ण एकाधिकार था, ऐसा स्टेवो साहब मानते हैं। एरियन कह रहे हैं भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने यूनान के बाजारों में जाते थे। मुक्ता नाम है मणि मोती मुक्ता। एरियन महोदय कह रहे हैं कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने यूनान के बाजारों में जाया करते थे, यूनानी बाजारों में जाया करते थे मुक्ता बेचने। एरियन ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने यूनान के बाजारों में जाते थे। फिलाडेल्फस का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की थी। आईएएस में भी शायद पूछा गया है कई जगहों पर सवाल, टीसीएस में हमें याद है बर्निस बंदरगाह की चर्चा की, बर्निस पीछे वाले भाई हमारे निर्माण कर पाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, बर्निस बंदरगाह, बर्निस खत्म नहीं, ऊपर तक के हाथ लिखने से जो है, बर्निस चाहे रंकू लगा दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, बर्निस बंदरगाह ये बनवाया था टालवी, और बनवाया था किस पर, लाल सागर पर, लाल सागर, कौन सी नहर है भाई, प्रशांत सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली,
सूरज लाल तो नहीं जुड़ सूरज नहर और पनामा नहर पनामा बताइए किसको किसको जोड़ती है अरे किस किस सागर को जोड़ती है भाई अगर नहीं बता पाए तो फिर बेकार है यही दो नहर तो हैं सर सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं वेरी गुड और ये बताइए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है किस महासागर अटलांटिक और पैसिफिक और अटलांटिक को अब जो भी हो देखिए लाल सागर पर इसने बर्निस बंदरगाह बनवाया था टालमी वही टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्त्री नरेश जो डायोनिसियस को कहाँ भेजता है अशोक के दरबार में लिंक करो याद आ रहा है हाँ तो ये लाल सागर पर एक बंदरगाह बनवाता है किसके लिए स्पेशली भारतीय व्यापारियों के लिए मिस्र भारत व्यापार को सुगम बनाने हेतु इसे में लिखिए वेरी गुड आ गए पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ रही है ना वेरी गुड चलो भाई अटलांटिक महासागर को जोड़ती है यही बात तो अपने यहाँ चल रहा था तो इससे क्या हुआ कई हजार किलोमीटर का रास्ता कम हो गया ना स्वेज नहर के बनने से भूमध्य सागर लाल सागर के बीच में पट्टी थी उसको जो है गहरा करके गहरा कर दिया गया तो जो हमारे जलयान है निकल जाते हैं इधर बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर होते हुए जाते हैं भूमध्य सागर और लाल सागर क्रॉस करके उधर इसीलिए पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा में पास जुड़ा है प्रशांत जोड़ने का काम करो ऐसे अपना अपने आप कुछ जोड़ दो अपने आप अटलांटिक पनामा और प्रशांत स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर तो इसको इसमें एक लाइन लिखिए लिख लेते हाँ अपना माँ अपना माँ हाँ हो सकता है अपना अपने पापा नहीं हो सकते अरे कुछ जोड़ लीजिए अपने हिसाब से तो बर्निस बंदरगाह लाल सागर को लिखिए मिस्र भारत व्यापार को सुगम बनाने हैं मिस्र भारत व्यापार को सुगम बनाने हैं मिस्र भारत व्यापार आपको क्रीम चीजें खोज कर लाते हैं बताते हैं भाई मिस्र भारत व्यापार को सुगम बनाने हेतु तालमी ने लाल सागर पर बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की थी तालमी ने लाल सागर पर बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की थी हो गया टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस हाँ तो ये बर्निस बंदरगाह दिमाग में रखना ये लाल सागर पर किसने बनवाया था टालमी ने और भारत मिस्र व्यापार की सुगमता के लिए जहां जहाजे जाकर गोदीवाड़ा होता है बंदरगाह जैसे लोथल में मिला था हाँ आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होता था सातवाहनों के द्वारा और गाड़ियों का जो झुंड होता था अंतरदेशीय व्यापार बैलगाड़ियों के माध्यम से और व्यापारियों का जो संचार होता था उनके माध्यम से हुआ करता था उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा गया गिल्ड जो उद्योग धंधों की संस्थाएं होती थी उद्योग धंधों की संस्थाओं को उद्योग धंधों की संस्थाओं को गिल्ड कहा गया क्या कहा गया श्रेणी कहा गया है और इसके लिए न्याय व्यवस्था के लिए एक श्रेणी कहा जाता था जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है श्रेणियों का उल्लेख है और
कोई विवाद हो जाता था तो श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान हो न्यायाधीश होता था, श्रेणी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठी कहलाता, न्यायाधीश। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था उसको महाश्रेष्ठी कहा जाता, सॉरी महाश्रेष्ठी कहा जाता, महाश्रेष्ठी। यह जो है इनका कोई विवाद हो जाता था तो महाश्रेष्ठी का न्यायालय में इनका जो है विवाद हल कराया जाता था। सामाजिक स्थिति देखिए, सामाजिक स्थिति देखिए, मेघस्थनीज जो है भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटता है? 7 वर्णों में, ये पूछा जाता है। तो देखिए सामाजिक स्थिति, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति देखिए। तो सामाजिक स्थिति में देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ थी, ठीक नहीं? हाँ थी। वर्णाश्रम व्यवस्था में चारों वर्णों को व्यवसाय निर्धारित थे। वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ थी भाई, वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं आप? अरे पढ़ा चुके नहीं समझ रहे हो? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताना पड़ेगा। हाँ, तो वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित होते थे। ब्राह्मण क्या करेगा? पूजा पाठ विधि ध्यान यज्ञ यजन का काम करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? युद्ध करेगा। वैश्य व्यापार। शूद्र जो है वृत्ति सेवक थे। हाँ, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा, तो ये निर्धारित था। लेकिन कुछ चीजें यहाँ आसान बनाई गई थी, जैसे शूद्रों के लिए वहां पर कोई अधिकार नहीं था, यहाँ अधिकार दे देता है। क्योंकि कौटिल्य क्या था? बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था ना, उसको अपनी सेना में सारे जाति धर्म के लोगों को देखना चाहता था। पहाड़ी क्षेत्र के हैं, कबीलाई लोग हैं, जंगली जातियां हैं, ये बर्बर किस्म की हुआ करती थी ना, और विषम परिस्थितियों में लड़ने में यह अनुकूल भी होती थी। ठंडी गर्मी बरसात को झेलने में बहादुर भी हुआ करते थे। तो इसलिए यह जो है सेना वना में शूद्रों को या भर्ती करवाने की छूट देता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, यहाँ सभी का पैसा यानी व्यवसाय निर्धारित था, लेकिन सेना में सभी लोगों की भर्ती हो सकती थी। चारों वर्णों से सेना में भर्ती चारों वर्णों के लोग जा सकते थे। सेना में भर्ती यानी कि शूद्र भी भर्ती हो सकता है, बात समझ रहे हैं? शूद्र या सभी की भर्ती की जाती थी। जो भी सेना में सेवा देना चाहता है उसका स्वागत है। और शूद्रों को शिल्प कला सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि पशुपालन वाणिज्य में आजीविका चलाने की अनुमति दी गई थी। बहुत बड़ी बात है, शूद्रों को जहाँ पर कुछ भी नहीं मिला अर्था अधिकार वैदिक काल में आप देख रहे थे, यहाँ पर शिल्प कला सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि पशुपालन वाणिज्य, जो शूद्रों को अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या क्या बताए, पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, सेना में तो जा ही सकते थे, इन सब की अनुमति दी गई थी। ये सब शूद्र कर सकते हैं, पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, सेवा वृत्ति, शिल्प कला वगैरह जो भी होती थी। शिल्प कला समझ रहे हैं ना, मूर्ति बनाना, कुंभकारी, बढ़ईगिरी, शिल्प कला आदि, पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शिल्प कला आदि की अनुमति दी गई थी। सेना में भर्ती होने की अनुमति दी गई। सेवा वृत्ति तो उनका था ही, सेवा वृत्ति समझ रहे हो, ऊपर के तीन लोगों की सेवा, ये तो पुरानी व्यवस्था थी बेचारे की। सेवा वृत्ति, शिल्प कला, पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, सेना में भर्ती होने सबकी अनुमति यहाँ पर अर्थशास्त्र में कौटिल्य दे रहा है। इसको शूद्रों के बारे में पूछा जाता है कि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति कैसी थी, तो काफी बेहतर थी, ठीक ठाक थी। और देखिए अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। अर्थशास्त्र में आर्यों को आर्य कहा गया, यानी कि काफी स्थिति इनकी ठीक ठाक थी। हाँ, अर्थशास्त्र में आर्यों को, शूद्रों को आर्य कहा गया है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ ना, इसका मतलब क्या है?
ये लोग समाज में अपना अच्छा खासा योगदान देते रहे होंगे शूद्र लोग, तभी तो आर्य कहा गया है, कहा गया है। शूद्रों की श्रेणी में तो बहुत सारी जातियां आती हैं, आज भी आप कुंडली की ट्राइब्स भी ओबीसी वाले भी शूद्र लिखा जाता है उनके आगे। तो ये सब जातियां चूंकि काफी भारी मात्रा में थी और इनका जो है समाज की आर्थिक व्यवस्था में श्रम में इनका जो है काफी अच्छा योगदान रहा होगा, इसलिए कौटिल्य जो है इनको ठीक ठाक जो है स्थान प्रदान करता है, वहाँ की सामाजिक स्थिति में इनको ठीक ठाक स्थान दिया गया था। हाँ, तो शूद्रों को आर्य कहा गया है, कृषक तथा सैनिक भी हो सकते थे और यह संपत्ति रखने के भी अधिकारी थे। यहाँ एक पढ़ा लीजिएगा, संपत्ति रखने के भी अधिकारी हो गए, यानी कि लगभग सभी सेवाएं इनको बहाल कर रखने के भी अधिकारी हो गए थे, अधिकारी हो गए थे, संपत्ति रखने के भी अधिकारी हो गए थे। जब सारे अधिकार मिल गए तो वेद यज्ञ विधि विधान में भी मिल ही जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। मेघस्थनीज भारतीय समाज को सात श्रेणियों में बांटा है, ये सवाल पूछा जाता है। मेघस्थनीज ने इम्पॉर्टेंट लिखिए, भारतीय समाज को सात श्रेणियों में बांटा है, कह रहा है यहाँ दास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी तो मेघस्थनीज जो यहाँ देखता कहता है यार यहाँ दास थे ही नहीं, लेकिन दास थे, खेती में सामूहिक खेती में उनका इस्तेमाल होता था, लेकिन उनको संपत्ति रखने का परिवार वो सब सारी व्यवस्थाएं थी तो वो दास पहचान ही नहीं पाता। मेघस्थनीज भारतीय समाज को सात श्रेणियों में बांटता है, सात श्रेणियों में बांटता है, विभक्त करता है। कौन कौन सी सात श्रेणियां थी, पहला बताओ भाई। पहला था दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक कहता दार्शनिक पढ़े लिखे लोग जो थे, तर्क विद्या और ज्ञान जो भी था दार्शनिक थे। दूसरे में क्या थे, कृषक यानी किसान, दूसरे किसान थे। तीसरे के थे क्या थे, पशुपालक थे, दार्शनिक किसान कृषक अहीर, अहीर तो जानते हैं आज भी पशुपालक होते हैं, अहीर शब्द मिलता है, अहीर समझ रहे हैं ना, भैंस पालने वाले पशुपालक, कितने अहीर हैं यहाँ पे, कुछ अहीर हैं यहाँ पशुपालक, ये हंस रही है, इसी श्रेणी में आते हो क्या, हाँ क्या नाम है, अच्छा तो दार्शनिक कृषक किसान अहीर पशुपालक, अहीर जो है पशुपालन का कार्य व्यापक पैमाने पर करते थे, अरे कृष्ण भगवान ही रहे भैया, गाय चराते थे, तो पशुपालक भी आप लिख लीजिए, कभी कभी इसके स्थान पशुपालक लिख दिया जाता है, तो गलत मत करना। दार्शनिक कृषक या किसान, अहीर यानी पशुपालक, कारीगर व शिल्पी, सैनिक निरीक्षक सभासद, कारीगर, कारीगर समझ रहे हैं ना, शिल्पकार भाई, शिल्पी लिख लीजिए या शिल्पकार, हाँ शिल्पकार लिख लीजिए, शिल्पी या शिल्पकार। और एक बहुत बड़ा वर्ग सैनिकों का था, उस समय बहुत बड़ा वर्ग सैनिकों का था, लगभग हर गांव से सैनिक रहे होंगे, हर घर से, इतनी बड़ी सेना थी। सैनिक वह देखता है, सैनिक निरीक्षक और सभासद, सैनिक निरीक्षक और सभासद, ये सात प्रकार की सभासद को कुछ और कहा गया है, कुछ एक शब्द और बहुत मिलता है, हालांकि ये देख लीजिए ये सब ये जातियां थी, अक्रम से लिखना भाई, दार्शनिक कृषक किसान अहीर पशुपालक कारीगर शिल्पी सैनिक निरीक्षक और सभासद। आगे देखिए, मेघस्थनीज अपराधी ब्राह्मणों को यातना नहीं दी जाती थी, मेघस्थनीज कह रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो उसको यातना नहीं दी जाएगी, के कारागार, यानी कि ब्राह्मणों की स्थिति ठीक थी लेकिन वहां ब्राह्मण विरोधी दिखाया गया है, किसको, अशोक को, लेकिन एन केन प्रकार ब्राह्मण यहाँ भी ठीक ठाक स्थिति में थे, उसके पहले विवाह ब्राह्मण धर्मान्यायी था, आजीवक था, बीच में वह बौद्धिष्ट हो जाता है,
थोड़ा आडंबरी व्यवस्थाओं को जो है वह नकारता है, तो इसीलिए उसको ब्राह्मण विरोधी, कुछ इतिहासकार कहते हैं ब्राह्मण विरोधी था। लेकिन वह जो है सभी संप्रदायों जाति धर्म का देखो अपने उसमें वर्णन भी किया है, सबका वह जो है सम्मान भी करता है, ख्याल भी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो है उसके प्रति वह प्रतिशोध की भावना कोई ऐसी नहीं रखता रहा होगा, यानी कि आज भी ब्राह्मणों की स्थिति मौर्य काल में भी सही रही होगी, कहने का मतलब। तो मेघस्थ नीच कह रहा है, चूंकि वह यहाँ राजदूत रह चुका था, वो कह रहा है कि अपराधी ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी, यानी आज भी वह पूज्य था समाज में, समाज में उसकी प्रतिष्ठा रही होगी, इसीलिए उसको जो राजकीय कर्मचारी पकड़ते थे, रक्षी वगैरह पुलिस, उनको यातना नहीं दी जाती थी, इतना भी बड़ा अपराध किया रहा हो उनको यातना नहीं दी जाती थी, उनको छोटे मोटे जो भी होते थे दंड दिए जाते थे। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अंतर जाति विवाह नहीं कर सकता था और दूसरों का पेशा भी अपना नहीं सकता था। यहाँ आप समझिए, चूंकि वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ विद्यमान थी, तो ये छूट किसको थी, सिर्फ ब्राह्मणों को थी। ब्राह्मण हो अंतर जाति विवाह कर सकता है, जहाँ उसको मन भाए वहाँ आप कर लेगा, लेकिन अन्य बिरादरी के लोगों को ये छूट नहीं दी गई थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेघस्थ नीच कह रहा है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको यातना नहीं दी जाती थी, पहली बात। दूसरी बात, जो इंटरकास्ट मैरिजेज होती हैं आज तो आम हो गई है, उस समय इंटरकास्ट सिर्फ ब्राह्मण कर सकता था, समाज में उसको ये व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, किसी भी जाति धर्म की कन्या अगर उसको पसंद आ गई तो वो वहाँ अपना विवाह हुआ कर लेगा, ठीक ठाक। लेकिन अन्य जात वर्ण के लोग अपने जाति से दूसरे उसमें नहीं कर सकते हैं शादी, ठीक, ये और इन लोगों को छूट नहीं थी, ये मेगास्थनीज कह रहा है। और दूसरे का पैसा भी कोई दूसरा नहीं अपना सकता है, जिसका जो पैसा वो अपना करिए काम। स्त्रियों की स्थिति देख लीजिए, शूद्रों की स्थिति आपने देख लिया, स्त्रियों की स्थिति यहाँ ठीक ठाक थी भाई, यहाँ पुनर्विवाह कर सकती थी स्त्रियाँ, पुनर्विवाह कर सकती थी अगर उनका हस्बैंड मतलब हाँ किसी ऐसे रोग से ग्रसित है जो वह पति धर्म नहीं निभा सकता, तो वो जो है पुनर्विवाह कर सकती थी और संतान उत्पत्ति के लिए क्या कर सकती थी, नियोग प्रथा आपको हमने बताया था ना, अपने पति के छोटे भाई के साथ संसर्ग कर सकती थी, किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए। अगर उनका हस्बैंड इस योग्य नहीं है कि कोई संतान उससे उसको मिल रही है, तो वह नियोग प्रथा का अपना कर सकती थी। नियोग प्रथा का जो उस समय की व्यवस्था थी उसका वह इस्तेमाल कर सकती थी, यानी देवर यानी छोटे भाई से वह संसर्ग करके मतलब बच्चे पैदा कर सकती, संतान पैदा कर सकती थी। आज भी देखिए आप वहाँ बिहार में जाइए, कुछ जनजाति हो रहा है, बिहार में जाइए आप देखिए, जो छोटे कुछ जातियां हैं वहां पर कुछ लोग जाएंगे, बहुपति प्रथा कहाँ देखने को मिलती है। महाभारत में द्रौपदी के कितने पति थे, पांच पति थे, हर जगह आपको बहुपत्नी प्रथा देखने को मिलेगी, लेकिन महाभारत में बहुपति प्रथा देखने को मिलेगी, बात समझ रहे हो। इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है कि बहुपति प्रथा आपको देखने को कहाँ मिलेगी, महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण दे सकते हैं। और अभी आप बिहार में जाइए तो वहां पर होता क्या है, जैसे कि हम चले गए कमाने, हमारी पत्नी का आप ख्याल रखना, अपने भाइयों को सुपुर्द करके चले जाते हैं, तो अगर बच्चा भी हो गया, भाई से भी हो गया, तो कोई जो है दिक्कत नहीं है, परिवार का अपना ही ब्लड है, इस तरह का वो अपना चला लेते हैं। तो नियोग प्रथा उस समय भी प्रचलित थी, कहने का मतलब छोटे भाई से कोई भी पत्नी और पुनर्विवाह, इसके लिए वह एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तलाक व्यवस्था की भी व्यवस्था थी। तलाक, तलाक समझ रहे, छुट्टी छुट्टा, छुट्टी छुट्टा समझ रहे ना, तलाक तलाक तलाक, तलाक की भी व्यवस्था थी यहाँ। यहाँ कहें स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, पुनर्विवाह कर सकती थी, नियोग की अनुमति थी, कौटिल्य विवाह विच्छेद, पत्नियां विवाह विच्छेद भी कर सकती थी, यानी तलाक के लिए एक मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है कौटिल्य के द्वारा, मोक्ष समझ रहे हो ना,
मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? हाँ, जब आप अच्छे कर्मों के साथ देह को त्यागते हैं। लेकिन यहाँ कौतूहल क्या कह रहा है कि अगर आपने अगर आपने किसको त्याग दिया, तलाक दे दिया, तो आपको समझो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब तलाक के लिए ये सब मिला है, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना आएगा सवाल। तलाक के लिए मोक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कौटिल्य, कौटिल्य तलाक के लिए मोक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रिपल तलाक होता है ना महिला, उसमें मुस्लिम महिलाओं में अब तो बैन भी कर दिया गया। रूपा जीवा हमने बताया, रूपा जीवा इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, और इनका जो अध्यक्ष होता था, अधिकारी होता था, गणिकाध्यक्ष, रूप अपने रूप को अपनी आजीविका का साधन बनाने वाली वैश्यावृत्ति, वहां पर वैश्यावृत्ति मतलब राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त था, कर सकते हो। आज ऐसा नहीं है, अभी तक तो था कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब बैन पूरी तरह से बैन हो गया है। तो वैश्यावृत्ति की अनुमति जो राजकीय व्यवस्था में दी गई थी, उसका कारण यही रहा होगा कि जो व्यभिचार होते थे वो कम हो जाएं। बात समझ रहे हो आप लोग? अगर जो समाज में व्यभिचार होते थे, व्यभिचार का मतलब अनैतिक कार्य हुआ करते थे, कोई जा रहा है किसी दूसरे की बहन बेटी को छेड़ने से अच्छा है जाओ भैया रूपा जीवा की व्यवस्था है वहां पे, तो इस तरह की यह राजकीय संरक्षण यहाँ इनको रूपा जीवा को प्राप्त था, जो वैश्यावृत्ति स्वेच्छा से करने की है, जबरदस्ती वाला काम नहीं था, जो स्वेच्छा से इस पेशे में आती थी अपना आजीविका चलाने के लिए, उनको छूट दी गई थी। रूपा जीवा वैश्यावृत्ति की प्रथा यहाँ प्रचलित थी, राजकीय संरक्षण भी तो प्राप्त था। एक शब्द मिलता है अनिष्कासिनी, ये पूछा भी गया है अनिष्कासिनी। सर महिला जो घर के अंदर रहती थी, हाँ, ये संभ्रांत घरों की महिलाएं होती थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर ही रहती थी, यानी कि एक तरह से कह दिया जाए पर्दा प्रथा। संभ्रांत घर में, अरे हम जमींदार हैं, हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती। आज भी कुछ लोग घर से कहते हैं ना, एक तरह से पर्दा प्रथा है, उनको घर के अंदर पैक किए रहो, है कि नहीं? तो इस शब्द को उसने अनिष्कासिनी कहा है, जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी। लिख लीजिए, संभ्रांत घर की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लिख लीजिए, धनी घर या संभ्रांत घर की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, कौटिल्य ने उनको अनिष्कासिनी कहा है। अपने शब्दों में लिख लीजिए अनिष्कासिनी। सती प्रथा व्याप्त थी कि नहीं, बताओ जल्दी से, ऐसा सवाल बनेगा। मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, सती प्रथा का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता, लेकिन यूनानी जो लेखक हैं, यूनानी लेखक कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम के जो सैनिक होते थे, उत्तर पश्चिम किधर पड़ता है, राजस्थान वाला बेल्ट, वो सती प्रथा तो वैसे भी वहां विद्यमान थी। मुगल काल में देखिए आइए, तो वो जौहर कर लेती थी, जैसे जो है कोई राजा अटैक किया तो सबसे पहले महिलाएं शिकार हुआ करती थी, इतिहास में आप देखेंगे तो महिलाएं क्या करती थी, आग प्रज्वलित करके उसमें अपने को दाह अपने देह को उसमें जला देती थी। तो यूनानी जो लेखक है कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम यानी देश के उत्तर पश्चिम के जो सैनिक थे, ये सैनिकों के शहीद होने पर इनकी महिलाएं जो है सती होती थी। ऐसा प्रमाण कौन देता है? सिर्फ यूनानी राइटर, और कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मौर्य काल में सती प्रथा विद्यमान थी। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता, अर्थशास्त्र भी कहीं पर सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं देता, सिर्फ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सही सती होने का उल्लेख करते हैं। सिर्फ यूनानी राइटर ये कहते हैं कि जो उत्तर पश्चिम के सैनिक थे उनके शहीद होने पर उनकी पत्नियां जो है शहीद जौहर कर लेती थी। और देखिए यहां पर नट गायक और नर्तक भी देखने को मिलते हैं। नट समझ रहे हैं हम, जो खेल दिखाते हैं, गायक ये तो जानते होंगे, नर्तक नर्तकी, इनके लिए जो है कौटिल्य ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है इनके लिए, रंगोपजीवी, रंगोपजीवी।
रंगकर्मी कहे जाते थे ना, नाटक वाटक खेलने वाले, रंगोप जीवी, और जो महिला होती थी उनको रंगोप जीवनी, रंगोप जीवनी कहा है। मतलब अपना जीवन कैसे चलाने चलाते थे, रंग कर्म करके, नट खेल दिखाकर, गायन करके, नर्तक जो डांस वंस दिखाकर अपना रोजी रोटी चलाते, उनको रंगोप जीवी और रंगोप जीवनी कहा है। आगे एक प्रवाहन शब्द मिलता है, सामूहिक समारोह को यहाँ प्रवाहन कहा जाता है, जहाँ पार्टियां होती, प्र व हण, ये सामूहिक समारोह होता था, जहाँ भोजन बनता था, पेय सामूहिक समारोह, समझ रहे हो, जहाँ खाना और पीना दोनों होता था, समझ सकते हैं, खाना पीना समझ रहे हैं ना। हाँ, प्रवाहन शब्द मिलता है सामूहिक समारोह के लिए, जहाँ भोज्य और पेय पदार्थ दोनों जो है, लिख सकते हैं, भोज्य पेय पदार्थ दोनों चलते थे। यहाँ पार्टी, पार्टी कह सकते हो आज के समाज में। अब देखिए दास प्रथा, दास प्रथा मेगास्थनीज क्या कह रहा है, दास प्रथा है नहीं है, मेगास्थनीज क्या कह रहा है, स्टैबो नहीं थी, कह रहा है कि स्टैबो और मेगास्थनीज और स्टैबो कह रहे हैं कि दास प्रथा नहीं थी मौर्य समाज में, दास प्रथा नहीं थी, लिख लीजिए अपने भाषा में, मौर्य समाज में, मौर्य काल में दास प्रथा देखने को नहीं मिलती, परंतु यहाँ की अर्थव्यवस्था में दासों का बहुत बड़ा योगदान था, कृषि कार्यों में लगाए जाते थे ये, कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था, लेकिन इन्हें संपत्ति रखने या इनकी स्थिति बहुत बेहतर थी, कहने का मतलब, इसी वजह से वह यूनानी व्यक्ति था समझ नहीं पाया कि समाज में दास भी हैं, वो कह रहा है कि यहाँ दास प्रथा नहीं थी। लेकिन अर्थशास्त्र और त्रिपिटक, कौटिल्य क्या कह रहे हैं, दास प्रथा थी, यूनानी लेखक क्या कह रहे हैं, दास प्रथा नहीं। समझने की कोशिश करना यहाँ, सवाल नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, दास प्रथा नहीं थी, कौन कह रहा है, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, सात प्रकार की जो जातियां बांटा वहां दास का कहीं जिक्र नहीं किया है, अहीर का जिक्र कर लिया, पशुपालक, सैनिक, किसान, दार्शनिक, सब का, लेकिन दास बड़े इंपॉर्टेंट, शूद्र, दास, स्त्रियां, इस पर बहुत सवाल बनते हैं, फोकस भी किया जाता है, तो कह रहा है कि दास प्रथा नहीं थी, लेकिन त्रिपिटक यानी कि बौद्ध त्रिपिटक, त्रिपिटक समझ रहे हो ना, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है चार प्रकार के दास देखने को मिलते हैं, चार प्रकार के, और वहीं पर कौटिल्य अर्थशास्त्र में कह रहे हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र में नौ प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, नौ प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, यानी कि बौद्ध ग्रंथ और अर्थशास्त्र मौर्य काल में दासों का उल्लेख करते हैं, लेकिन मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, यूनानी जो लेखक हैं, राइटर हैं या राजदूत जो थे, वो कह रहे हैं यहाँ दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन वास्तव में दास प्रथा थी, लेकिन दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लिख सकते हो, क्योंकि दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए मेगास्थनीज को लगा कि यहाँ दास प्रथा नहीं है। मेन सेंस में आएगा तो बढ़िया अपने विचारों को दर्शाने की कोशिश करिएगा, इसलिए इतना चिल्ला रही हूँ, ठीक। तो आप बताओगे कि त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये कह रहा है कि मौर्य काल में चार प्रकार के दास थे, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में नौ प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, क्योंकि दासों की स्थिति समाज में बहुत अच्छी है, अच्छी थी, इसलिए मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, भ्रमवश कहते हैं कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। चुप रहो, बैठे रहो। दासों की स्थिति ठीक थी, संपत्ति रखने और उसे बेचने का अधिकार था, दासों को संपत्ति रखने, जैसे शूद्रों को संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार था, पढ़ाई के लिए साधना की जरूरत होती है, अधिकार प्राप्त था,
पीछे से भैया जिसको वो चला जा सकता है। दो तीन मिनट और लगे आपका धर्म बता दें, नहीं अधर्म हो जाएगा, धर्म नहीं बताएंगे। तो देखिए धर्म यहाँ पर देखिए वैदिक धर्म था, आज भी उसके जो मूल चीजें हैं वहाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरह सब। तो बीच में लेकिन बौद्ध धर्म आया था अशोक के काल में, तो मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था आप लोगों के बीच में। धर्म के बारे में देख लीजिए कौन सा धर्म प्रचलित था, वैदिक धर्म प्रचलित था, लिख लीजिए तर्क में धर्म, धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा कर लो। और ये लेकिन कर्मकांड जो हुआ करते थे वो जो बड़े लोग होते थे अभिजात वर्ग के लोग और ब्राह्मण लोग वही कर्मकांडी थे यहाँ। वैदिक धर्म तो प्रचलित था लेकिन कर्मकांड ऊपर के लोग ज्यादा करते थे, बात समझो। ब्राह्मण और अभिजात वर्ग समझ रहे हो ना, धनी वर्ग जो सामंत तो होते थे यानी कि जो क्रीमी लेयर वाले अभिजात वर्ग में कर्मकांड प्रचलित था या प्रधानता थी, कर्मकांडों की प्रधानता थी, लेकिन अन्य जो छोटा वर्ग था उसमें कर्मकांड बहुत ज्यादा, वैदिक धर्म तो वो लोग मानते थे लेकिन कर्मकांडों को बहुत ज्यादा वरीयता नहीं देते थे। पतंजलि का नाम सुने हैं? हाँ, पतंजलि कहाँ देखने को मिलेंगे, शुंग काल में मनु और पतंजलि। तो शुंग आएंगे, इनके बाद आएंगे ना, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण राजवंश का उदय होता है शुंग काल, ठीक। तो ये पतंजलि कह रहे हैं कि उस समय देव मूर्तियां बनाई जाती, पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में क्या बनाई जाती थी, देव मूर्तियां। इस समय बनती हैं कि नहीं, अरे देवी देवताओं की मूर्तियां तो बनती हैं ना, अभी आने दीजिए वो दिवाली, खूब जो है चाइना वाले उतार देंगे, यहाँ के गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां वो लोग बना के यहाँ भेज देते हैं, 10 रुपया हर माल 10 रुपया खूब बिकता है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि देव मूर्तियां बनाई और बेची जाती थी शिल्पियों में, शिल्पियों को देवता कारू कहा जाता था, देव मूर्तियां बेची जाती थी यहाँ पर, बेची जाती थी। और इस तरह के जो शिल्पकार थे, शिल्पियों को जो देव मूर्तियां बनाते थे उनको देवता कारू कहा जाता था, इनके शिल्पकारों को देवता कारू कहा जाता था। देवता कारू समझ रहे हैं, देवता को आकार देने वाला देवता कारू कहा जाता है, ऐसे शिल्पकारों को देवता कारू कहा जाता था। देवता कारू कौन से शिल्पकार, जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते और बेचते थे, ऐसा पतंजलि कह रहे हैं। ब्राह्मण निस्साल पाली ग्रंथ में वेदों के जो ज्ञाता होते थे, शिक्षा देते थे, यज्ञ करवाते थे, ऐसे ब्राह्मणों को पाली ग्रंथ में ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। ब्राह्मण निस्साल ऐसे ब्राह्मण जो वेदों के ज्ञाता थे शिक्षा देने का कार्य करते थे, शिक्षा देते थे यानी अध्यापन का कार्य करते थे, और यज्ञ करवाते थे उनको जो है पाली ग्रंथ में ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। पाली ग्रंथ में ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। राज द्वारा करमुक्त भूमिदान किसको मिलती थी, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राज्य के द्वारा जो भूमिदान दी जाती थी किसको, ब्राह्मणों को, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय कहा जाता है अर्थशास्त्र में। राज्य द्वारा करमुक्त भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को
दान दी जाती थी। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। और उसका पर्यायवाची क्या था? भूदेव। ब्रह्मदेव राज्य द्वारा करमुक्त भूमि, उस पर टैक्स भी नहीं लिया जाता था। तो कैसे लोग कहते हैं कि जो है उस समय ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी गिरी हुई, दान भी तो मिल रहा है, लेकिन आडंबर जो था उस पर जरूर उठारा थोड़ा सा चोट पहुंचाई गई थी। अब देखिए एक जगह मुंड निकौर और सिकंदर का वार्तालाप मिलता है, ये मेगस्थनीज चर्चा कर रहा है। मुंड निकौर एक ब्राह्मण है और सिकंदर की चर्चा हुई है। मुंड निकौर और सिकंदर की चर्चा, मुंड निकौर सिकंदर का वार्तालाप, सिकंदर का वार्तालाप, वार्तालाप ये मेगस्थनीज दे रहा है वृत्तांत। मेगस्थनीज के वृत्तांत में मिलता है, वृत्तांत में, मेगस्थनीज के वृत्तांत में यह जो है घटना मिल रही है। मुंड निकौर और सिकंदर, मुंड निकौर सिकंदर वार्तालाप का वृत्तांत दिया गया है मेगस्थनीज के द्वारा, जिसमें ब्राह्मण ऋषियों के जीवन चर्या पर प्रकाश पड़ता है। तो ये सिकंदर इनसे पूछ रहा है कि आप लोगों को जीवन चर्या कैसे होती है, सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विधि विधान तो सारी। तो ये जो भारतीय ब्राह्मण हैं उनके, ब्राह्मण यानी ऋषियों के जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ती है। ब्राह्मण ऋषियों के जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है, जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है। यह वृत्तांत कौन दे रहा है? मुंड निकौर सिकंदर, मेगस्थनीज दे रहा है। मुंड निकौर और सिकंदर का वार्तालाप इसमें हुआ है। अब आ जाइए भाई, इनका पतन कैसे हुआ? दो मिनट और बह जाओ। पतन कह रहे हैं डॉक्टर हरि प्रसाद शास्त्री। मौर्य वंश का पतन पूछा जाता है ना, मौर्य वंश का आज खत्म कर लेने दीजिए। अब अभी हमने रूट नहीं पढ़ाया, किस किस रूट से इनका व्यापार होता था ये छोड़ दिया हमने। इनका देखिए मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ। हरि प्रसाद शास्त्री कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी थे। हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति इनके पतन का कारण थी। धार्मिक नीति में कह रहे हैं ये लोग ब्राह्मण विरोधी थे, ब्राह्मणों ने इनके खिलाफ, ब्राह्मण विरोधी नीति इनके पतन का कारण बना। ऐसे आएगा पूछा जाता है धार्मिक नीति, मौर्य वंश के पतन का कारण धार्मिक नीति यानी ब्राह्मण विरोधी नीति कौन मानता है? हरि प्रसाद शास्त्री मानते हैं। दूसरे महान विद्वान जो हैं हेमचंद्र राय चौधरी कह रहे हैं कि अहिंसक शांतप्रिय नीति। हेमचंद्र राय चौधरी कह रहे हैं कि ये तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष में बदल गए, अब तलवार चलाने वाला ही कोई नहीं बचा। तो कह रहे हैं कि हेमचंद राय चौधरी कह रहे हैं कि इनकी अति अहिंसक और शांतप्रिय नीति ने इनके पतन को का कारण बना। अहिंसक और शांतप्रिय नीति, इतना भी शांतप्रिय नहीं होना चाहिए ना। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि हम जो मिसाइल बना रहे हैं या हम जो परमाणु बम का विस्फोट किए, हमने प्रैक्टिकल किया, किस लिए? शांति के लिए। कोई भी व्यक्ति जो है हम पर जो है, कोई भी व्यक्ति आंख दिखाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम साम्राज्यवादी नहीं है। आपके बगल वाला अगर राइफल रखा है और आप भी राइफल रख लो तो मामला ठीक ठाक रहेगा। सोचेंगे कि ये निकालेंगे तो अगला भी निकाल लेगा, समझ रहे हैं ना। दिखाने के लिए आजकल होड़ चल रही पूरी दुनिया में, युद्ध बड़े मुश्किल में होगा। वो कोई तानाशाह आ गया, जैसे अभी रूस वाले वहाँ बरसा रहे हैं, सनकी टाइप का प्रशासक आ गया तो लड़ लेगा। तो हेमचंद्र राय चौधरी
अब दिमागी लड़ाई देना, कोल्ड वार जिसको कहते हैं, कोल्ड वार अहिंसक और शांतप्रिय नीति ने इस वंश को पतन के राह पर ले गया। डी डी कौशाम्बी कह रहे हैं आर्थिक संकट आर्थिक कारण था इनके पतन का, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। डी डी कौशाम्बी, डी डी कौशाम्बी या कौशाम्बी कह रहे हैं कि आर्थिक कारण था इनके पतन का, कारण क्या था? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। कह रहे हैं कि इतने जनकल्याणकारी हो गए कि इनका जो खत्म हो गया वो कोष था, आर्थिक कारण। यानी कि संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था जो है इनको ले डूबी, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था बस खत्म है भैया। डीएम झा कह रहे हैं कमजोर उत्तराधिकारी ही इनके लिए, डीएम झा कह रहे हैं कि अशोक के बाद इनके कमजोर उत्तराधिकारी ले डूबे, कमजोर उत्तराधिकारी। कितने 60 में हम आपको बता रहे हैं कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। रोमिला थापर केंद्रीय प्रशासन और अप्रशिक्षित अधिकारी, रोमिला थापर कह रहे हैं कि ये जो है रोमिला थापर केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का मतलब अति केंद्रीय हो गया था, सारा जो है एक ही जगह से संचालन होता, केंद्रीय प्रशासन और अप्रशिक्षित अधिकारी के लिए, अप्रशिक्षित आप आईएएस पीसीएस हो जाओगे कोई भी, पहले आपको प्रशिक्षण दिया जाता है ना कैसे काम करना है फील्ड में, अप्रशिक्षित अधिकारी ये सब ले डूबे। अशोक के कुछ उत्तराधिकारी जानते हैं, अशोक के उत्तराधिकारी हाँ जनता विद्रोह कौन बताता है? हाँ निहार, अरे बहुत सारे लोग हैं इसमें, निहार रंजन रे कह रहे हैं कि जनता का विद्रोह इनके पतन का कारण था। तो जनता क्यों विद्रोह करेगी? या तो केंद्रीय प्रशासन ज्यादा जो है इनके ऊपर क्या करेगा, बट मतलब इनका शोषण करेगा, कमजोर उत्तराधिकारी होंगे, आर्थिक कारण होगा, ये सब कारण होगा तभी जनता विद्रोह करेगी, जनता का विद्रोह। निहार रंजन रे, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी राय दी है। अशोक के उत्तराधिकारी जो खास खास हैं उनको आप जानने की कोशिश करिए। तो अशोकावदान में एक लिस्ट मिलती है, पुराणों में लिस्ट मिलती है इनके उत्तराधिकारियों की, तो पुराणों के अनुसार बता दें या ऐसे ही बता दें मारे, तो बताया जाता है कि दशरथ, दशरथ के बाद कौन आए 232 से 184 ईसा पूर्व, 232 से 184 ईसा पूर्व में ही इनका पतन हो गया। दशरथ के बाद संप्रति आए, संप्रति संप्रति सालिसमुख के बाद देववर्मन शतधनुष, देववर्मन के बाद शतधनुष बृहद्रथ, शतधनुष के बाद लास्ट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य साम्राज्य देख लीजिएगा, बृहद्रथ था, बृहद्रथ। दशरथ, संप्रति, सालिसमुख, देववर्मन, शतधनुष, बृहद्रथ। देव धर्म कहीं लिखा है, कहीं वर्मन लिखा है, शतधनुष देव ये इसका पुत्र था, देव धर्म का ये पुत्र था, ये इसका पुत्र था। पुराणों में सबसे जो पहला नाम मिलता है अशोक के बाद कुणाल मिलता है, पुराणों के अनुसार पूरा ही बता दें दो चार लोग, पुराणों के अनुसार वैसे जनरली इतना लोग जानते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार सबसे पहला नाम किसका मिलता है? कुणाल का, वही जिसकी आंखें अंधा, अंधा हो गया, कहानी बताया थी ना। दूसरे नंबर पर मिलता है बंधुपालित, दूसरा है बंधुपालित, ये इसका पुत्र था,
कैसा राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी ना, पिता राजा है तो पुत्र भी राजा होगा। बंधुपालित ये कुणाल का पुत्र था, इंद्रपालित, इंद्रपालित अब इसका बेटा हो जाता है इंद्रपालित, इंद्रपालित तीसरे ये इसका बेटा, अब ये इसका बेटा हो गया। चौथे पे थे इंद्रपालित के बाद दसोन, बंधुपालित का पुत्र, इसका एक दूसरा पुत्र था दसोन मिलता है, दसोन, दसोन बंधुपालित का पुत्र था। अब फिर ये दशरथ आ जाते हैं, दशरथ ये सब आ जाते हैं, दस लोग मिलते हैं। अब ये दशरथ बताया जाता है असुर, ये भी किसका पुत्र था, बताया जाता है कि अशोक का पुत्र था ना, पुराणों में बताया जाता है कि अशोक का पुत्र था। लेकिन जो है दिव्यावदान में कुणाल संपत्ति बृहस्पति वृषसेन पुष्य धर्मन और पुष्य मित्र मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं इतना जान लीजिए। अब भैया ये नहीं बताएंगे, पढ़ाएं पढ़ाएंगे अब फिर बंद कर दीजिए। अब आपको क्या पढ़ाएंगे जानते हैं, बंद करो तो पढ़ाएंगे। अब सीधे चलेंगे, इसके बाद क्या होना चाहिए था, शुंग शुंग कर्ण सातवाहन और फिर उधर हिंदी यूनानी पहला कुषाण, हिंदी यूनानी से कर लो कुषाण तो भी हुआ नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या चलना चाहिए था।